हेलो एवरीवन, आज हम आपके क्लास 11 बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं ना, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, पर आपको सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया जाएगा। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इट विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, इट विल रिमेन सेम और मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो आप बताओ बाबू, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यही क्या होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायरार्की है ना। तो इसमें जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं ना बाबू, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। कह रहा है प्लांट के क्लासिफिकेशन में हम ये जो फैमिली वाला टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है ना, उसके लिए कौन सा सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने सुना होगा अलग अलग फैमिली का नाम सुना होगा, सोलेनेसी, लिलिएसी, फेबेसी, ठीक है, तो इस एनार्किडेसी, तो इसका मतलब क्या है, एसी सफिक्स होता है फैमिली में, लास्ट में जो ऐड होता है उसको सफिक्स कहते हैं, पहले ऐड होने वाले चीज़ों को प्रीफिक्स कहा जाता है। तो सी आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि फैमिली के लास्ट में क्या आता है, एसी एसी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू, सिस्टमैटिक के मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट एक तरह का। ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, या डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, या डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो देखिए बाबू, एक्चुअल में ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है क्या, किस चीज़ की, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनके बीच में रिलेशनशिप जो है उसको इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, और वही हम करते हैं आपके सिस्टमैटिक्स में, तो इसी वजह से सी आपका सही आंसर है। फिर देखिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कि जीनस का मतलब क्या होता है? देखो, यही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो क्या होता है जीनस? अरे, जब ये आप सिमिलर सेम तरह के अलग अलग जीनस, अलग अलग स्पीसीज का ग्रुप बनाते हो ना, तो उसी से हमें एक जीनस मिलता है। तो क्या कहोगे जीनस को आप? जीनस को कहोगे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। ठीक है जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम, फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्कियल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। फिर वही चीज़, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसमें जो फाइलम है ना, ये फाइलम जो शब्द है एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, फाइलम पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटी हेलमिंथ एसकी हेलमिंथेज एनिली डायर्थोपोडा मोलस्काई काइनोडर्माटा हेमिकोडाटा कोरडाटा। पर ऐसे ही जब आप प्लांट के किंगडम के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पे पढ़ा होगा डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। तो यानी कि आप क्या कहोगे बाबू, आंसर आपका जो फाइलम के लिए इक्विवेलेंट होता है ना, वो होता है डिवीजन। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क हैव, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज ओनली होता है। एंडेमिक मतलब ऐसी स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। एग्जॉटिक स्पीसीज का कलेक्शन होता है सिर्फ, एक्चुअल में बातें तो सही है, पर यहाँ सिर्फ लगाकर, ओनली लगाकर इन्होंने गलत कर दिया है। यहाँ पे भी ओनली लगाकर ही गलत कर दिया है, ओनली लोकल प्लांट एंड एनिमल। आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एग्जॉटिक स्पीसीज, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाने वाली स्पीसीज भी होती हैं और एग्जॉटिक मतलब बाहरी स्पीसीज भी पाई जाती हैं।
ठीक है, तो सी सही आंसर है। फिर क्या कहता है, टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बिल्कुल सही बात है, टैक्सोनॉमिक की क्या है, एक टैक्सोनॉमिक टूल है, एक टैक्सोनॉमिक एड है, सही बात है, जो कि प्लांट या एनिमल के आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन में हमें मदद करता है, बहुत अच्छी बात। फिर क्या कह रहा है, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, पहला मोनोग्राफ, दूसरा फ्लोरा, तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि हम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कोई दूसरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से आप यहाँ पे कहोगे कि हम दोनों बना सकते हैं, बोथ ए एंड बी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कैसे, बिकॉज, क्यों, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम टाइप, गलत बात, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेराइंग डिग्रीज, यही सही आंसर है यहाँ पे, ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सबके पास एक तरह का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी होता है और सबके पास सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ठीक है, पर हाँ एक कह सकते हो आप कि उनके पास एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि वेराइंग डिग्रीज का होता है, मतलब उसमें वेरियस डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो बी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपने कितना कैरेक्टर पढ़ा है, कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रोथ होता है एक तो, रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद कॉन्सियसनेस होता है, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, पर ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं ना, ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं क्योंकि इनके एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं, पर आपकी ये जो मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके एक्सेप्शन नहीं पाए जाते, तो इनको हम कहते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, इसी का मतलब होता है कॉन्सियसनेस होना, कॉन्सियसनेस होना मतलब होशो हवास होना, मतलब अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो करना, तो सही ऑप्शन वही है, ठीक है। बाकी ग्रोथ या रिप्रोडक्शन या एबिलिटी टू मेक साउंड डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर तो होते हैं बट दे आर नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर, वाई, बिकॉज दे हैव सम एक्सेप्शन, वहाँ पे इफ एंड बट का मामला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहला कह दिया हुआ फैमिली, फैमिली किंगडम ऑर्डर स्पीसीज जीनस का इधर मैच करवाना है आपको, तो इसमें देखिए कोई फैमिली का नाम दिख रहा है आपको क्या, मेरे ख्याल से सोलेनेसी फैमिली आपने सुना होगा, है कि नहीं, तो सोलेनेसी, और किंगडम, किंगडम इसमें से कौन है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो प्लांट पे लगा देंगे, ठीक है। ऑर्डर के लास्ट में एल्स होता है तो आप पॉलीमेनेल्स लगाएंगे, और वहीं पे आपने क्या ये सोलेनम ट्यूबरोसम सुना होगा ना, तो सोलेनम क्या है, जीनस है, और ट्यूबरोसम क्या है, स्पीसीज है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ए का क्या है, फाइफ है, ए का क्या है, फाइफ है, ए का फाइफ जो है बस एक में ही है, तो ऑप्शन वन ही करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं, चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट चैप्टर का भी डाल दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।